तो नीचे दे। हेलो जी, राम राम। हेलो हेलो सबको, सबको राम राम, नमस्कार। स्वागत है आपका वी ब्लॉग्स में ननी बूटी प्रियो के साथ। तो भाई एक बार फिर से आपका स्वागत है और वी ब्लॉग्स के करने ब्लॉग में। तो भाई आई होप कि सारे राजी खुशी होंगे, मस्त होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं, जबरदस्त हैं। और क्या, मैं सोचे चलो भाई आज ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। आज हम फिर से निकल लिए घूमने के लिए। जी हाँ, तो सबसे पहले ना ये मैंने यहाँ पर हमने लगवाया है इसके मोबाइल होल्डर, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी मैं हाथ में मोबाइल भी पकड़ना, फिर बच्चों को भी पकड़ना देखना और साथ में लोकेशन बताते रहना। तो मैं क्या चलो ये मंगवा देती हूँ, इनको भी आसानी रहेगी और मुझे भी। तो ये सबसे पहले लगवाया। तो गाइज फिर हो गए थे हम लेट, वैसे तो घर से लेट ही निकले थे और हमारी सुबह से तो ना प्लानिंग कुछ थी नहीं। फिर सोचा कि चलो हम देख के आते हैं, म्यूजियम देख आएंगे, यहाँ हैदराबाद में बहुत बढ़िया बताया है, लेकिन हम आज तक गए नहीं। लेकिन फिर उसकी वो टाइमिंग इतनी गड़बड़ा गई थी, बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो फिर हम इस मॉल में आ गए और यहाँ देखो बिल्कुल छीड़ लग ही नहीं रहा था कि ये हम किसी मॉल में आए हैं, बिल्कुल रौनक सी नहीं थी। लेकिन डेकोरेट तो कर रखा था इन्होंने भी बड़े अच्छे से। और यहाँ ना एक ये वाला पार्ट मुझे अच्छा लगा, बच्चों के खेलने के लिए ये हट बना रखी थी और ये था, और इसके बाद फिर ये लिफ्ट थी। तो हम इस लिफ्ट से पहुंच गए थे ऊपर सबसे टॉप में जहाँ था फूड कोर्ट। तो यहाँ इनका खाने पीने का भी इतना अच्छा लगा नहीं, और ऊपर से देखने पर ना कुछ ऐसे था, ज़्यादा डेकोरेट नहीं कर रखा था मतलब मॉल को दिवाली के हिसाब से। तो मैं क्या चलो ठीक है, लेकिन चहल पहल होती ना शाम होती तो भी ठीक है, वो तीन चार साढ़े चार पाँच का लगभग टाइम था। तो देख सीख सकते हो बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा था, और गेम जोन में भी कोई अच्छी रौनक नहीं थी, ज़्यादा बच्चे नहीं दिख रहे थे। तो हमने सोचा चलो रहने देते हैं, उसके बाद हम नीचे आ गए थे। हम तो इतना देख रहे थे मॉल और ये इतना यहाँ बैठ कर लगे वो जी जो यार उसकी। तो भी यहाँ पर बच्चों ने सिर्फ कॉटन कैंडी ली और मैंने ये स्पाइसी कॉर्न लिए, थोड़े ज़्यादा स्पाइसी लग रहे थे तो अच्छे लगते हैं थोड़े स्वीट स्वीट से। और उसके बाद फिर उर्वी की कटिंग के लिए हम यहाँ पर आए थे, लेकिन यहाँ टाइम लगेगा डेढ़ दो घंटे, लेकिन इतना टाइम हमारे पास था नहीं। उसके बाद हम निकल लिए जहाँ पर ये दूसरे मॉल में आ गए हम। यहाँ हम मोस्टली आते ही रहते हैं मूवी वगैरह के लिए और यहाँ पिज्ज़ा खा के जाते हैं, क्योंकि हमें पता है यही पिज्ज़ा मिलता है और भी मिलता होगा लेकिन हमको नहीं पता, हम यहीं आते हैं। तो बस सबसे पहले बच्चों को हम गेम जोन एरिया में ले आए थे, यहाँ पर बच्चों ने खूब इंजॉय किया और यहाँ तो मैं भी इंजॉय करती हूँ सच बताऊँ तो। और आपने देखा होगा जो मेरे पीछे है वो गाड़ी दिख रही है ना अभी, वो वाइट वाइट, इसमें मैं बैठी थी और आप लोगों के साथ वो लोग भी मैंने फैसले किया था, बार बार बैठने का मेरा मन नहीं किया, चलो कोई नहीं यहाँ पर बैठ लिए। उसके बाद फिर हमने ले लिया था पिज्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक का, हमने ना आपके बार ऐसा कॉम्बो लिया कि इन्होंने बोला था कि भाई आप चार तीन चार बार फिल करा, पहले तो बोले अनलिमिटेड है, फिर मैंने कहा सच में, फिर बोले कि चार बार फिल करवा सकते हो आप एक गिलास, मैं क्या चलो भाई चार बार तो इतना ही पड़ेगा है ना। तो हाँ चलो मैं कहीं ये लेके देख लेते हैं। फिर पिज्ज़ा खाने के बाद ये आ गए थे अपना, इनने खाया ये पैरी पैरी और कोल्ड ड्रिंक में दो तीन बार भरवा लाई थी इस ग्लास को, सभी इसमें से तीन बार तो भरवा लिया और चौथी बार ही भरवा कर ले आऊँगी, 80 रुपया में जमा लूट लिए हुए तो 20 रुपये का गिलास आ थोड़ी आवे बराबर बात पड़ जाए, कोई खास बाबू को नहीं अब बचत घड़ी होती हो ये घर पर वाए ले आई घाटा बाबू का, मैं भी नहीं जान दे रही हूँ गम। कैसा लगा उर्जी, उर्जी कैसा लगा? अच्छा अच्छा लगा। उसके बाद फिर बच्चों ने फिर जिद कर ली यहाँ, तो मैं कह चलो थोड़ी सी देर और इनका मन बहल जाएगा यहाँ पर। तो खूब इंजॉय कर रहे थे यहाँ, और हर बार जहाँ जब भी आते हैं यहाँ पर बच्चों का काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड होता है। और
फिर बाद में हमने रास्ते में खाई पानी पूरी, दोबारा से भूख लगी थी, उर्वी ऊर्जा ने बनवाई अपनी ये चाट पानी पूरी वाली। तो भाई आ गए हम 4:30 घंटे 3 बजे रहे थे, 7:30 का टाइम हो रहा, तो हाँ डे हम तो मेरा तो बस नहीं हो रहा है, यूँ पता होता कि बड़ी अदन रास्ते दे रहे निकला प्लान करके। तो कोई नहीं, क्या करो बेटा तू देख जाएगा क्या खा ले खा रहे तो खराब करे 2-3 हजार ये बचा लो इनको बनाए आके कल दूसरी जगह के नाम तो जगह का ये दादरी यूरत है किराया मांगा टैक्सी आया 4.5 हजार और फिर ऊपर का खान पीन का भी 5-7 हजार रुपया खर्चा होगा उनको आप दे देते दे। और जो खान खाने की होटल ये इतने 2 दिन हो गया खाम खान रहते बेटा मार कर। तो अभी मैं ये गुलाब जामुन का पैकेट है और ये गुलाब जामुन का रस बच रहा है गुलाब जामुन बोल के लिया थी तो ये भी सरस मैं मतलब यूज कर लिया क्यों फेंक गया खराब को नहीं हो रहा जमा भी गर्म करके और सारा काम निपटाया बर्तन वर्तन तो बस अभी ये बिल्कुल धीमे आंच पे गुलाब जामुन हम तलेंगे। दिखा था ना वो पैकेट हल्के से गर्म दूध में थोड़ा सा 2-3 घूंट दूध चाहिए है उसमें ये आटा हमने गूंथ लिया था और फिर इसकी लोई बना ली में क्रैक्स नहीं होने चाहिए और बिल्कुल धीमी आंच पे नहीं तो अंदर से कच्ची रह जाएंगी बाहर से फिर ये पक जाएंगी। और अभी अभी प्लानिंग थोड़ी देर पहले हमारी हुई है कि हम कल जाएंगे कहीं घूमने कहाँ जाएंगे वो कल के लोग मैं बताऊंगी। तो भाई सुबह उठना भी है जल्दी 4 बजे क्योंकि 6 बजे कैब आ जाएगी बरन आ गए तो इसीलिए मैंने सारा काम निपटा दिया है। बस ये थोड़े से कपड़े धोने बाकी हैं और ये गुलाब जामुन चाशनी भी मेरी ये तो मैंने बढ़ा ली है चाशनी में डुबो दी थे जो बची हुई चाशनी थी इसमें फिर डाल दूंगी ठंडी है ना तो ये इसमें निकाल के इसमें डाल दूंगी और ये बाकी के जो तल रही हूँ ये इसमें डाल दूंगी पूरी है ये है ना तो इसलिए मैं क्या चलो फटाफट बना लेती हूँ कल क्या पता वहां ले जाए। ओ माय गॉड ज्यादा ही पक गए तो भी एक गुलाब जामुन टूट गई कोई बात नहीं देखो हर बार ना मतलब मोस्ट ऑफ टाइम मैं बना लूंगी और कुछ ना कुछ देखो गलती हो ही जा रहा है लेकिन कोई बात नहीं भाई एक तो पैकेट वाले बनावा रहे कुछ मूल वाले में थोड़ा फर्क हुआ है लेकिन कोई बात नहीं बनाने चाहिए अपने हाथ के तो स्वाद देने आ रहा है ना तो बिल्कुल हल्के हाथ से इनको हम अल्ट पल्ट के फ्राई कर लेंगे। तेल थोड़ा सा कम है और गुलाब जामुन में ज्यादा डाल दी है क्योंकि लेट होने लग रही हूँ सुबह फिर जल्दी उठना कल भी मैं रात में 1:30 बजे सोई थी आके नुआत आई थी ना लेट आए थे हम फिर खाना वाना बनाया खाया पिया वीडियो वाडियो जोड़ लिए तो एक लत्या की बाल्टी भरी धोई बर्तन धोई सिंक भरा था कल कुछ नहीं काम करके जा रही थी मैं तो बहुत सारा काम हो गया था वही डेली कपड़े तो मतलब मेरे डेली हो ही जा हैं और आज भी इतना सारा काम बस एक बाल्टी लत्ते दौड़े हैं सारा काम बाकी मैंने निपटा लिया है। सुबह फिर जल्दी उठ के जाना भी है तो पता नहीं कैसे क्या होगा लेकिन जो होगा देखा जाएगा। चलो अभी कल कहाँ जा रहे हैं कैसे क्या रहेगा कल की जर्नी हमारी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी है ना तो बस बने रहिए और वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर कर दिया करो कमेंट करके जरूर बताया करो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में राम राम।